इराक पर लगभग दो दशकों से ज्यादा वक्त तक राज करने वाले तानाशाह सद्दाम हुसैन को करीब 13 साल पहले 5 नवंबर 2006 को मौत की सजा सुनाई गई थी। इराक की स्पेशल ट्रिब्यूनल ने सद्दाम हुसैन को 1982 में दुजाली कस्बे में हुई 148 शियाओं की हत्या का दोषी ठहराया था। इसके बाद उसी साल 30 दिसंबर को सद्दाम को फांसी पर लटका दिया गया और इसी के साथ इराक में सद्दाम के आतंक का अंत हो गया। सद्दाम हुसैन का जन्म साल 1937 के अप्रैल महीने में बगदाद के तिकरित के एक गांव में हुआ था। 1957 में युवा हुसैन ने बाथ पार्टी की सदस्यता ली, जो अरब राष्ट्रवाद के एक समाजवादी रूप का अभियान चला रही थी। 1962 में इराक में विद्रोह हुआ और ब्रिगेडियर अब्दुल करीम कासिम ने ब्रिटेन के समर्थन से चल रही राजशाही को हटाकर सत्ता अपने कब्जे में ले ली। सद्दाम भी इसी विद्रोह में शामिल थे। 1968 में फिर विद्रोह हुआ और इस बार 31 वर्षीय सद्दाम हुसैन ने जनरल अहमद हसन अल बकर के साथ मिलकर सत्ता पर कब्जा किया। 1979 में सद्दाम हुसैन ने खराब सेहत के नाम पर जनरल बकर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया और खुद देश के राष्ट्रपति बन बैठे और यहीं से शुरू हुआ सद्दाम हुसैन की तानाशाही का दौर। उन्होंने साल 1980 में नए इस्लामिक क्रांति के प्रभावों को कमजोर करने के लिए पश्चिमी ईरान की सीमाओं में अपनी सेनाएं उतार दी। इसके साथ 8 वर्षों तक चले युद्ध में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। 1982 में सद्दाम हुसैन पर जानलेवा हमले की कोशिश के बाद दुजैल में 148 शियाओं को मार दिया गया था, जिसके आरोप में बाद में सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा भी मिली थी। 20 मार्च 2003 में अमेरिका ने जैविक हथियार होने के शक में इराक के खिलाफ युद्ध की शुरुआत कर दी थी। उस वक्त सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति थे। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के आदेश पर अमेरिकी सेना की क्रूज मिसाइलों ने इराक की राजधानी बगदाद में कई जगहों पर हमले किए। सिर्फ 21 दिनों में अमेरिका ने इराक के तमाम बड़े शहरों को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन सद्दाम हुसैन अमेरिका की पकड़ से अब भी दूर था। इसके बाद 13 दिसंबर 2003 को अमेरिका को सद्दाम को पकड़ने में भी कामयाबी मिल गई। हालांकि जिस वजह से ये युद्ध छिड़ा था उसमें अमेरिका को नाकामी ही हाथ लगी। 2004 में CIA के पूर्व मुख्य हथियार निरीक्षक ने कहा कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी इराक के जैविक हथियार कार्यक्रम का पता लगाने में नाकामयाब रही है। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने भी 2009 में अपना कार्यकाल खत्म होने के दौरान इराक युद्ध को अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी गलतियों में से एक माना था। इसके बाद जून 2009 में इराक से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का सिलसिला शुरू हुआ। सैनिकों के लौटने के साथ ही 15 दिसंबर 2011 में अमेरिकी सेना ने इराक में ऑपरेशन के औपचारिक अंत की घोषणा कर दी। जैविक हथियार होने के शक में छिड़ी इस जंग में न जाने कितने लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। विकिलीक्स की ओर से जारी किए गए अमेरिका के गुप्त सैन्य दस्तावेजों के मुताबिक इराक में 1,09,032 लोग मारे गए थे। इनमें 66,081 नागरिक, 23,984 विद्रोही, 15,196 इराकी सरकार के सैनिक और गठबंधन सेना के 3,771 सैनिक शामिल थे। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज अमर उजाला को जरूर लाइक करें और अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल अमर उजाला वीडियोस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।